ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकार ने बनाई है 3 सदस्यीय न्यायिक जांच टीम। हाथरस हादसे में 122 लोगों की गई है जान और बाबा की लगातार तलाश तेज है। इस बीच ये बड़ी जानकारी, जांच टीम आज जा सकती है हाथरस। तो सरकार ने 3 सदस्यीय टीम जो है वो बनाई है, न्यायिक जांच टीम। हाथरस हादसे में 122 लोगों की जान गई है। तो सत्संग के दौरान ये हादसा हुआ था जिसमें 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग, सैकड़ों जो लोग हैं वो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी तरफ बाबा की तलाश तेज है और इस बीच जांच टीम जो है वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज हाथरस जा सकती है जांच टीम। सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच टीम जो है वो गठित की है, जो अब इस पूरे मामले पर बारीकी से जांच पड़ताल करेगी। तो हाथरस हादसे में 122 लोगों की जान गई है। तो बाबा पर शिकंजा कसने की कोशिश, यहां पर लगातार दबिश बाबा पर शिकंजा कसने के लिए। आज हाथरस जा सकती है टीम। आपको बता दें कि सत्संग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बाबा के कई जिलों में आश्रम भी बने हैं जिन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ बाबा की तलाश भी तेज है, लेकिन अभी तक बाबा का कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में जांच टीम भी लगातार जो है वो जांच में जुटी हुई, और इसी कड़ी में आज हाथरस पहुंच सकती है जांच टीम, जहां पर वो पहुंचकर हर एक एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटेगी। सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच जो टीम है वो तैयार की है। तो हाथरस हादसे में 123 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इन जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये जो जांच है वो यहां पर की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है, विपक्ष सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है। तो न्यूज स्टेट पर बाबा नारायण साकार गिरी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बाबा के पूर्व सेवादार रंजीत सिंह ने अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा किया है। पूर्व सेवादार रंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि बाबा सत्संग में अपनी तारीफ करवाता था, वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। बाबा को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा न्यूज स्टेट पर आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं। सत्संग में अपनी तारीफ करवाता था बाबा, और बाबा के पूर्व सेवादार की तरफ से बड़ा खुलासा, सत्संग में अपनी तारीफ करवाता था और बाबा साकार गिरी करता था एजेंट की बहाली, खुद को भगवान होने की बात फैलाई, अपने आप को भगवान मानने लगा था बाबा। तो टीवी पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा बाबा को लेकर हुआ है। हाथरस वाले लापता बाबा का भंडाफोड़, तो बाबा के रंग महल की रंगीन कहानियां जो है वो यहाँ पर सामने आई कि लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उनको पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे प्रभु हमें चक्र इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। तो देखिए, बाबा के सेवादार को आप सुन रहे थे, जिसने एक बड़ा खुलासा न्यूज स्टेट पर साकार गिरी को लेकर किया है। बाबा के पूर्व सेवादार रंजीत सिंह को आप सुन रहे थे, जिसने अब तक का यह सबसे बड़ा खुलासा किया है कि पूर्व सेवादार रंजीत सिंह ने यह आरोप लगाया कि बाबा सत्संग में अपनी तारीफ करवाता था, वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। बाबा को लेकर अब तक का यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए, ये तारीफ लोगों के दिलों में, दिमाग में ऐसा जो है वो घर कर गई कि ऐसे में लोग जो है इस हादसे के बाद भी, कुछ समाज का ऐसा तबका है जो बाबा पर अब भी भरोसा करता है। उनका कहना है कि बाबा उन्हें से रूबरू कराते थे, उन्हें आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाता था, और अब ऐसे में एक के बाद एक बाबा को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बाबा पर कई आपराधिक केस भी दर्ज है, एक यौन शोषण का मामला भी है, और इससे पहले भी जो बाबा है वो जेल जा चुका है। हाथरस से संवाददाता हिमांशु शर्मा और मैनपुरी से संवाददाता शांति